ब्रॉट टू यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। अब तो पुलिस भी उनकी है, ये तो नहीं कहते विपक्ष के दबाव में जो है पुलिस ने जांच में किया, अब कहां इस्तीफा देंगे, अब कहां देंगे, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो चार्जशीट दाखिल हुई उसके बाद जो है उनको सजा मिलेगी। हर हमले का जवाब हम लोग जो है इस बार जंतर मंतर से 21 तारीख को देंगे। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा हमला बोल दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जहां एक तरफ पहलवानों ने मोर्चा खोला है, वहीं दूसरी तरफ अब शिकंजा भी कसता जा रहा है। पहलवानों के आरोपों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और अब 28 जुलाई को कोर्ट में एक आरोपी की तरह उन्हें पेश होना है। पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद पहलवानों के समर्थन में भी उतरे थे और इसी चार्जशीट को लेकर उन्होंने ब्रजभूषण सिंह पर हमला बोल दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद चार्जशीट दाखिल हुई है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सजा भी मिलेगी। जो पहलवानों के खिलाफ जो है जो हमला हुआ था उसका भी आपने देखा कल चार्जशीट दायर हुई ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, और वो चार्जशीट के बाद जिस तरह का रवैया उनका महिला पत्रकारों का देखने को मिला वो इस बात को स्पष्ट करता है कि उनको विश्वास नहीं था कि उन्हीं की सरकार में। अब तो वो ये नहीं कह सकते, उन्होंने एक भाषण देते हुए कहा था कि साहब देखो मेरे खिलाफ एक आरोप साबित हो जाएगा तो मैं कर जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा। अब तो पुलिस भी उनकी है, ये तो नहीं कहते विपक्ष के दबाव में जो है पुलिस ने जांच में किया, अब कहां इस्तीफा देंगे, अब कहां देंगे, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो गलत का समर्थन करते हैं जाति की वजह से, जिंदा व्यक्ति कभी भी बदल सकता है, जनता को भक्त नहीं बनना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हर हमले का जवाब हम लोग जो है इस बार जंतर मंतर से 21 तारीख को देंगे। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह की चूंकि आपने बात की और आपने जिक्र भी किया कि किस तरीके से चार्जशीट दायर हुई है, तो एक तरीके से आप अब लगता है कि जो लड़ाई आपने लड़ी और पहलवानों का आपने साथ दिया वो क्या एक किसी कंक्लूजन तक पहुंच रहा है या अभी भी लगता है क्या कि कुछ होने वाला नहीं है, ये सब आई वॉश है, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक जो पहलवानों के आंदोलन में भी थोड़ी नरमी दिखाई पड़ी, इन सब चीज़ों को किस तरीके से आप देखते हैं, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, क्या वाकई ताकत ज़्यादा हो गई है कि असर कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, ताकत जो भारतीय जनता पार्टी के का जो चरित्र है उनको सिर्फ सत्ता में रहना है, सत्ता में जिन लोगों से उनको फायदा हो सकता है उनको अगर वो कितना बड़ा अपराध करते हैं बचाने का प्रयास हमेशा करते आए हैं। ये पहलवानों के संघर्ष की जीत है, बड़े उनके ऊपर आरोप लगाए गए, बड़े उनका मजाक उड़ाया गया, बड़े उनको जो है तमाम तरह से राजनीतिक शिकार बताया गया और हम लोगों ने बहुत लंबे समय संघर्ष किया, ये उसकी जीत हुई है। देखिए, अंत हमें न्यायपालिका पर भरोसा करना ही है क्योंकि जब सरकार तानाशाही करेगी, सरकार अपराधियों को संरक्षण देकर उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, तो हम लोग न्यायपालिका से भरोसा कर सकते हैं कि वहां से हमें न्याय मिलेगा। पुलिस जो है दिल्ली की पुलिस वो विपक्ष के अंडरटेकिंग में नहीं है, वो दिल्ली सरकार के जो केंद्र की सरकार है उसके अंडर में है, और वो जो जांच हुई है मुझे हमेशा से दिल्ली पुलिस की उस पर भरोसा। कई बार दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी उस तरह की मक्कारी भी कर जाते हैं जिसका मैं खुद उदाहरण हूँ, जो मेरे साथ हुआ जब मैं CAN पर NRC के प्रोटेस्ट में जामा मस्जिद पे था तो मुझे गिरफ्तार किया गया और जब कोर्ट में उनसे पूछा गया कि चंद्रशेखर पे आरोप क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, पूछा तो जवाब नहीं दे पाए। तो कई अच्छे अधिकारी भी हैं, कई बुरे अधिकारी भी हैं, तो मुझे विश्वास है कि जो चार्जशीट दाखिल हुई उसके बाद जो है उनको सजा मिलेगी, और जो लोग उस समय पहलवानों को मैनिपुलेटेड बता रहे थे या किसी के इशारे पे बता रहे थे अब उनको भी शायद जो एहसास होगा कि किस तरह उन्होंने देश की उन बेटियों का जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था उनका अपमान किया, उनको आरोपित किया, उनके सम्मान का खिलवाड़ की, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ लिखा, अब उनको भी जो है गिल्टी फील होगी। लेकिन बीजेपी को गिल्टी फील आज ना कल थी ना आज होगी क्योंकि बीजेपी को अंत है अपने चुनावी फायदे नुकसान को देख कर निर्णय लेना है, और हमें जो भी जनहित की या महिलाओं के साथ जो भी अन्याय होगा या किसान कामगार मजदूर के साथ जो अन्याय होगा उस लड़ाई को हमें आदिवासियों की लड़ाई को लड़ना ही लड़ना है, हम पहले भी लड़ रहे थे अब भी लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद 21 जुलाई को कुछ बड़ा करने वाले हैं, तभी तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमला करने वालों को और अन्याय करने वालों को 21 जुलाई को जवाब मिलेगा। खैर, ये तो अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि 21 जुलाई को क्या होता है। दिल्ली से कुमार कुणाल की रिपोर्ट, UP तक।